तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जुल्म है, मोदी जालिम है, मोदी जालिम है, वो जुल्म कर रहा है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी से बड़ा जालिम है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सुबह उठने से लेकर, आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी बार नबी के सुन्नतों का जनाजा निकाल देता है। हमारे नबी अपने सहाबाओं के साथ एक बार गुजर रहे थे रास्ते से, रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखा। नबी वो पत्थर को पकड़ते हैं और रास्ते के किनारे में फेंक देते हैं और कहते हैं अपने सहाबाओं से कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई रुकावट दिखे तो तुम उसे हटा दो, ताकि तुम्हारे बाद जो आए उसे परेशानी ना हो। तो सहाबाओं ने इस बात पे इतना अमल किया कि कई सालों के बाद एक यहूदी का ग्रुप उस रास्ते से गुजर रहा था, उसी रास्ते से, और रास्ते में एक पत्थर गिरा हुआ देखता है तो पत्थर को देखकर बोलता है कि शायद इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा। मेरे भाइयों, वो था उनका ईमान। और हम आज कहीं भी बम फटता है तो बोलते हैं शायद मुसलमानी होगा, कहीं भी गोलियां चलती है तो कहता है मुसलमानी होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान होगा, अपने अंदर झांक कर देखें कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं आया हम पे, कहीं अल्लाह तो नाराज नहीं हमसे। मैं भटकल के लोगों से नहीं बोल रहा, पर भटकल के लोगों के जरिए मैं हिंदुस्तान तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, वो अपने सामान को लेकर खड़ी थी, तो मजदूर का इंतजार कर रही थी वो। तो नबी करीम जाते हैं, कहते हैं यार मेरी माँ, मैं तुम्हारा मजदूर बन जाऊं क्या? वो पूरे कायनात के सरदार मजदूर बनने को तैयार हो गए। और आज हम अगर कोई जूता पलट रहा होता है तो उसे सीधा नहीं कर सकते। ये हमारे मुसलमानों की आज वो अकर है, पता नहीं किस बात की अकर में जी रहे हैं, जिसकी उम्मत इस बात की अकर में जी रही है उसका रसूल दूसरों की मजदूरी करने को तैयार हो गया था। कहते ए माजी, मैं मजदूर बन जाऊं तुम्हारा? माजी कहती ठीक है, वो बूढ़ी औरत कहती ठीक है, तो मुझे मक्का के बाहर छोड़ दो। नबी करीम उस बूढ़ी औरत को मक्का के बाहर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी औरत कहती कोई मोहम्मद आया है, कोई जादूगर है, और गालियां देने लगती मोहम्मद को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी करीम प्यार से शांति से मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते हैं, मक्का के बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। और जब वापस हो रहे होते हैं तो बूढ़ी औरत पूछती है, अरे बेटा तूने मेरी मजदूरी की है, मजदूरी तो ले जा। कहते नहीं नहीं रहने दो माँ। तो कहते अच्छा अपना नाम तो बता जा। तो कहते मेरा नाम मोहम्मद है, वही मोहम्मद जिसे तू गाली दे रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, हम उस नबी की उम्मत है, इस बात को ना भूले। हमारे नबी से ज्यादा बड़ा मिसाल सेक्युलरिज्म का इस दुनिया में नहीं है, जिसने मजदूरी की उस गैर कौम औरत की जो उनको गालियां दे रही थी, मुस्कुराते हुए उसका काम कर दिया। उस नबी की उम्मत है हम। जब ताइफ में गए तो उन्हें इतनी पत्थर मारी गई कि उनका जूता मुबारक खून से भर गया। तो जिब्रील अमीन नीचे आते हैं और कहते हैं कि ऐ नबी आप कहिए तो हम, ताइफ एक वैली में था तो दो पहाड़ के बीच में ताइफ वाले लोगों को हम कुचल देंगे। हमारे नबी घायल हाल में भी, पत्थर खा के भी कहते हैं मैं तो यार रहमत के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, हम उस नबी की उम्मत है, इस बात को हम ना भूलें। जिस दिन मुसलमान अपने नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालना बंद कर देगा, उस दिन हमारी तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हिंदुस्तान और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए इज्जत और मुसलमानों के लिए प्यार बख्शे। अल्लाह ताला इस देश में अमन और शांति कायम करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।